सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ढोलक का बायां अच्छे से कैसे बजाना है, क्योंकि अच्छे से बजाने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है स्लाइड, जिसको हम घिसा मारना भी बोलते हैं। अब ये घिसा इतना इंपॉर्टेंट है हमारी प्लेइंग में, अगर ये ना हो तो बात नहीं बनेगी। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब अगर मान लो कोई भी कहरवे का पैटर्न बजा रहे हैं, ये बायां देखिए, खेमटा, तो ये जब तक ये बाएं में ये चीज नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। और आज इस वीडियो में अच्छे से सिखाने वाला हूं, पूरी वीडियो देखनी है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, फॉरवर्ड करके नहीं देखनी। स्टार्ट करते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी कर लीजिए, नीचे रेड बटन दबाकर लाइक भी करना है वीडियो को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो घिसा मारने की एक टेक्निक है जी, पहले आप टेक्निक सीखेंगे, उसके बाद कहां लगाना है इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब आप, आज हम पूरा बाएं पे ही फोकस करेंगे। अब ये देखिए आप, हम पहला पहला क्वेश्चन मैं आप सबसे ही पूछता हूं कि हम ऐसे क्यों नहीं बजाते, ऐसे क्यों बजाते हैं, कोई तो लॉजिक होगा इसके पीछे। लेडीज ऐसे बजाती हैं, ठीक है, लेडीज स्टाइल ऐसे होता है। अगर हम प्रोफेशनली ढोलक बजाते हैं तो ऐसे क्यों बजाते हैं? ऐसे बजाते हुए हमारे पास कंट्रोल है, हम यहां से रेजोनेंस कंट्रोल करेंगे, यहां से प्ले करेंगे, यहां से कंट्रोल करते हुए हम बाएं से अलग अलग तरीके की साउंड्स निकाल सकते हैं, जैसे कि ये बिल्कुल खुली साउंड, थोड़ी बंद, थोड़ी ज्यादा बंद, स्लाइड, घिसा, और फिर आगे जाके भी एक ये। तो कितने तरीके की साउंड्स हमने प्रोड्यूस कर ली सिर्फ बाएं से ही। अब बजाते हुए प्लेइंग में ये सारी चीजें हमें यूज करनी है, तब प्लेइंग अच्छी सुनेगी। और एक बात बता दूं, बायां अच्छा नहीं बज रहा आपका, प्लेइंग कभी भी अच्छी नहीं सुनेगी। बाएं पे ही सारा दारोमदार है, चाहे वो तबला हो चाहे ढोलक हो, बायां अच्छा बज रहा है आपकी प्लेइंग अच्छी सुनेगी, बायां ऑर्डिनरी बज रहा है तो प्लेइंग भी ऑर्डिनरी सुनेगी। इसका एग्जांपल चाहिए तो मैं वो भी दिखा देता हूं, ये देखिए, अभी मैं बायां अच्छे से नहीं बजा रहा, ये वाली साइड अच्छे से बजा रहा, कैसा सुना? और अब बायां अच्छे से बजाऊंगा, बहुत फर्क पड़ जाता है जी। इसलिए बाएं पे ध्यान दीजिए, और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम भी होती है बाएं नहीं बजता, इसलिए सिखा रहा हूं। सबसे पहले टेक्निक देख लीजिए, हाथ की पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है, इसका यूज करते हैं, और साथ में मिडल फिंगर का यूज करते हैं। जब ये मिडल फिंगर का यूज करते हैं तो ये बिल्कुल, ये जो नाखून जहां खत्म हो रहा है, ये टिप हम हिट करेंगे कुछ इस तरीके से। हिट करने के बाद ये टिप ना ही, ये देखिए, ये मैंने हिट की, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हिट करने के बाद यहीं लगी रहेगी, ये हिट करी एंड उसके बाद ये उठकर अंदर आ जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं कि ये हिट करके फिर ये ड्रैग करते हैं इसको, ड्रैग नहीं होगी, ये हिट एंड लिफ्ट। तो ये टेक्निक देख लीजिए। इसके बाद जब हमने इसको रिस्ट को यूज करना है, तो जब ये फिंगर नीचे आने वाली होगी एट द सेम टाइम रिस्ट आगे, तो इन दोनों की टाइमिंग मैच करनी है आपको, ठीक है। तो अभी ये देख लीजिए आप कि ये नॉर्मल स्लाइड है, घिसे वाली स्लाइड थोड़ी अलग होती है, अब उस पर आते हैं, ठीक है। तो बाएं की आपने टेक्निक सीख ली, एक तो इस तरीके से बजा लेते हैं हम नॉर्मली, जब जहां सिर्फ फिंगर यूज कर रहे हैं, जहां ये रिस्ट भी यूज करने की बारी आई तो फिर दोनों की टाइमिंग बिठानी है हमने, क्लियर है इतना। बाएं की बेस की पहले भी वीडियोस बनाई हैं, उसमें अच्छे से एलैबोरेट किया है, वो उनको भी चेक कर लीजिएगा। अब आती है आज का जो मेन टॉपिक है घिस्सा, इस पे क्या करना है। अब ज्यादातर घिस्सा अगर हम ऐसे नॉर्मल बजाते हैं तो वो बात नहीं बनती जो चाहिए हमें, इसके लिए हमें ये डायगनली स्लाइड देनी होती है, नॉट सीधी, ना ही बिल्कुल नीचे को, ये डायगनली चलती है, मतलब कि ये तिरछी, ये इस डायरेक्शन में, ना बिल्कुल सीधी ना बिल्कुल नीचे, ठीक है। और हम बिल्कुल ये सेंटर पोर्शन की जगह हम ये थोड़ा ये साइड वाला पोर्शन यूज कर लेते हैं, क्लियर है, टेक्निक यही है इसकी। ये थोड़ा साइड वाला पोर्शन, सेंटर वाला उठा लिया मैंने थोड़ा सा, देखिए साइड वाला, और ये डायगोनली इसको हम दबाते हुए स्लाइड करते हैं, क्लियर है बिल्कुल इतना कॉन्सेप्ट। अब ये दे दिया हमने घिसा इस तरीके से, अब पैटर्न में जब इसको यूज करना है सारी ट्रिक ही वहां है जी, कहां यूज करना है तो मैं आपको एक जो छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, आप हर जगह यूज करेंगे। देखिए मैंने किया क्या, चाहे धिटे धीना हो, धिनता धिनता हो, या कोई भी हो, पहले तीन बोलों पे मैंने घिसा यूज कर लिया है, कैसे,
पहले दो आगे एंड देन तीसरा पीछे। अब ये धिनता तिनता में कैसे अप्लाई करेंगे हम? धिनता धिन, सॉरी तिन ही बोलते हैं उसको, धिन बन जाता है पर हम बोलते नहीं उसको, तो धिनता तिनता तिनता धिनता धिनता तिनता तिनता धिनता। तो कहने का मतलब ये है पहले तीन मात्राओं में आप इसको यूज कर लेंगे तो कुछ ऐसी चीज लगेगी, इंस्टेड ऑफ धिनता तिनता तिनता धिनता धिनता, ये नॉर्मल है। ठीक है जी, सिखाने का जो मेन मकसद है वो यही है बस, कि डायगोनल मूवमेंट, ये चीज को आपके रिस्ट की ये चीज को यूज करते हुए इंस्टेड ऑफ बिल्कुल ये मिडल, ये बहुत हेल्प करेगी आपको ये। अब ये आप जहां चाहे वहां यूज कर सकते हो, ठीक है, जहां पे भी हम कोई भी ठेका बजा रहे हैं अगर, तो उसमें ये चीज जब लगती है ना, खासकर खेमटा में बहुत अच्छी लगती है, कहरवे के कोई भी पैटर्न है, ठीक है, मैं अलग अलग इसीलिए बजा के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि ये कितना यूजफुल चीज है। हाँ, इसमें अगर तेज कह रहा, तो कहने का मतलब है अगर आपने घिसा अच्छे से बजा लिया आपकी प्लेइंग बहुत अच्छी सुनेगी। ठीक है, करना है इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, अब एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में देखिए करना क्या है, तीन बोलों की प्रैक्टिस कीजिए आप, ये बजाया खुला, ये घिसा और फिर ये रिवर्स, बस ये तीन अलग अलग अगर आपने साउंड्स निकालने की प्रैक्टिस कर ली तो जब आप बजाएंगे ना इसको प्रैक्टिकली तो निकलेगी आवाज। ठीक है, अब ये इसका जो सबसे अच्छा यूज मुझे लगता है वो रूपक ताल में लगता है, जब हम रूपक ताल बजाते हैं ना, तो ये मैंने अभी आपको बताया ना, ये घिसा और फिर रिवर्स, ये रूपक में मैंने यूज किया, अभी इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं आप ताल में जब आपको करनी है, क्योंकि रूपक ताल स्लो भी होती है तो इसकी घिसे की प्रैक्टिस बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो गाइस वीडियो में सिर्फ बताने का मकसद ये था कि एक छोटी सी चीज़ है जो इसको जब आप बाएं में इंक्लूड करते हो तो आपका बायां बहुत इंप्रूव हो जाता है, और आज से पहले मैंने ये चीज़ एड ऑन नहीं भी की थी, बाएं के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट मिलती थी और आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती थी, तब मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम्स में इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को जान सकूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है ताकि उसका सॉल्यूशन कुछ दे सकूँ, राइट। तो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी कर लीजिए अभी सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा नया चैनल अनुज लोधी ब्लॉग्स चेक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।